अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज दुबई की वीडियो नहीं आई है तो मैंने कहा कि चले आज आपसे बातचीत करनी थी, तो आज इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी बना रहा हूँ और अभी अपलोड ये वीडियो मैं कर दूंगा और आप लोगों को नज़र आ जाएगी। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था, जैसे कि आपने पढ़ा थंबनेल के ऊपर भी, कि क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया ये दुबई की वीडियोज़ बना के। तो भाई बात ये है कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो काफ़ी पहले से मेरे साथ जुड़े हैं, आप सब मेरी फैमिली की तरह हैं। और मैं अपने व्लॉग्स में, अपनी वीडियोस में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाता जिसका हकीकत से ताल्लुक़ ना हो, या मैं कोई भी चीज़ फेक नहीं बनाता। जो मैं देखता हूँ, हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि मैं जो देखता हूँ मैं वही दिखाता हूँ। तो दुबई में भी ऐसा ही हुआ कि जो मैंने देखा, जो अच्छी अच्छी जगह थी वो भी मैंने एक्सप्लोर की। मैंने बुर्ज खलीफा, डॉल्मेन जो वहाँ का मॉल है, और इसके अलावा जो दूसरी जगह थी बहुत सारी, अलसीफ एक जगह थी बहुत खूबसूरत जगह, वो भी वीडियो आएगी। तो इस तरह की जो भी जगह थी वो मैंने दिखाई खूबसूरती। मैंने वहाँ की ऊंची आलीशान इमारतों की भी तारीफ़ की, वहाँ मैंने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ़ की, मैंने वहाँ पे रहने वाले लोगों की तारीफ़ की, मैंने वहाँ के कल्चर की बात की। दुबई जैसा साफ़ सुथरा शहर जो है वो ज़ाहिर है बहुत कम हमने देखा है पाकिस्तानियों ने। तो मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान के अलावा भी कुछ मुल्कों में घूमा हूँ थोड़ा बहुत। तो दुबई मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे अब तक के जो फेवरेट जो मुल्क हैं उनके अंदर यूएई भी शामिल हो गया है उस फहरिस्त के अंदर। तो मेरा दुबई के साथ ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं गुजरा कि मैं जो आपको बोलूँ कि जी मैंने इस वजह से ऐसा किया। अच्छा, दुबई की बारिशों के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी तेज़ बारिशें हुई थी, मैं बारिश में फंसा भी था, मैंने वो सब भी दिखाया। और मैं उसके बाद डेरा जो एक जगह थी वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने वीडियो बना के, आखिरी मेरी वीडियो वही थी जो लास्ट टाइम आप लोगों ने देखी, उसके अंदर जो हाल था उस जगह का मैंने वो दिखाया था। उसका मकसद बिल्कुल भी दुबई को रिप्रेजेंट करना नहीं था कि मैं दुबई के बारे में ऐसी बात कर रहा हूँ कि पूरा दुबई इस तरह का है या पूरे दुबई में ये हाल है या मैनेजमेंट वहाँ की इस तरह की है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वहाँ की मैनेजमेंट को मैंने देखा है, बहुत स्ट्रांग मैनेजमेंट है, बहुत जल्दी एक्शन होता है, और इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, साफ़ सफाई का ख्याल किया जाता है। लेकिन डेरा में हो सकता है बिल्कुल बारिश की वजह से ही हो ऐसा हाल, क्योंकि दुबई में कहीं पे भी मैंने इस तरह से नहीं देखा, मैंने खुद भी नहीं देखा, एक्सपीरियंस किया कि कोई इतनी गंदगी या इस तरह की चीज़ें हों या सीवरेज का इस तरह का हाल हो। हो सकता है बारिश की वजह से ही हो, लेकिन क्योंकि मैं ऐसे टाइम पर वहाँ पहुँचा था, मुझे इस तरह की चीज़ें वहाँ पर नज़र आई, और इन्वायरमेंट भी थोड़ा लोकल था, वहाँ पर हमारे लोग नज़र आ रहे थे। तो वहाँ पे जगह जगह पे गारबेज कचरा नज़र आ रहा था, और कुछ जो है सीवरेज की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वो उसी चीज़ को मैंने शायद उस टाइम पे कैप्चर कर लिया और वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी। मैं सिर्फ उसको आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि दुबई जैसे मुल्कों के अंदर भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और उसके बाद मेरी बात का मकसद तो शायद बहुत सारे लोग नहीं समझे, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव और बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स किए, बहुत सारे लोगों ने सराहा भी। इस तरह बोलना कि मैं नेगेटिव चेहरा दिखाता हूँ, मैं फेक चीज़ें दिखाता हूँ, लोगों ने कमेंट्स किए, तो मैंने कहा यार ऐसे लोगों के लिए, ऐसे भाइयों के लिए मैं बुरा नहीं मानता हूँ। और बहुत सारे लोगों ने गालियाँ बकी हैं, बाकायदा गालियाँ बकी हैं, वो गालियाँ जो है ना वो वाली मैं कमेंट्स को कट कर देता हूँ, क्योंकि फैमिलीज भी देखती हैं, हमारी बहनें भी हैं, माएँ बहनें सारी ये वीडियोस देखती हैं, मेरी अपनी फैमिली वीडियोस देखती है, तो कमेंट्स भी पढ़ते हैं लोग, तो इसलिए इस तरह के जो बैड कमेंट्स होते हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, बल्कि यूट्यूब खुद भी फिल्टर करता है तो उसके बाद मैं डिलीट कर देता हूँ जाके। तो इस तरह की चीज़ें मैं उड़ा देता हूँ। बाकी जो लोग तनकीद करते हैं, तरीके से करते हैं, इखलाक के दायरे में रहते हुए करते हैं, वो कमेंट्स मैं नहीं डिलीट करता हूँ, वो मैं रखता हूँ, उससे मेरी भी इसलाह होती है। तो कहने का मकसद ये था कि वो जो सूरत हाल थी भाई, मैंने वही दिखाया जो मैंने देखा, ठीक है। इसके अलावा मैंने वहाँ की ऊंची बिल्डिंग्स, वहाँ के रोड्स, वहाँ की चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी दिखाई हैं, वो भी जाके देखें ना। मेरा मकसद तो दुबई को बदनाम करना नहीं था बिल्कुल भी, मेरा मकसद जो बस यही था कि जो मैं देख रहा हूँ, और जब पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल हो जाती है, जाहिर है दुबई जैसे मुल्क के अंदर, शहरों के अंदर भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, एक तो वजह ये थी, जो भाई क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, मैंने कहा चले उनको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूँ अपनी वीडियो के हवाले से। और दूसरी रही बात, जो दो भाइयों की वीडियो के हवाले से, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से जो मैंने वीडियो बनाई है, उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि आपने सबूत पेश नहीं किए। तो भाई सबूत की बात यह है कि जब मैं अंदर गया हूँ, और अंदर जाने के बाद मैंने उनसे बात करने की कोशिश की है, पहले तो बात करने की उनसे इजाज़त नहीं मिल रही थी, फिर मैंने बड़े तरले करके उनके पास पहुंचा। उनके गार्ड्स अंदर होते हैं,
उनके गार्ड्स ने ही मेरा कैमरा भी बंद करवा दिया था, जिसको आप लोग नहीं देख सके, जो वीडियो नहीं मैंने बनाई, क्योंकि उनके अंदर गार्ड्स थे, तीन चार या चार पांच गार्ड्स थे अंदर, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को डाउट है कि मैं किसी भी किस्म का झूठ बोल रहा हूँ और मैंने ये फेक वीडियो बनाई है व्यूज़ लेने के लिए, मैं मोबाइल लेने गया था, बहुत सारे भाई लोग ये कह रहे हैं कि मैं जी मोबाइल के लिए वहाँ गया था, तो भाई मैं 5 लाख रुपये 4 लाख रुपये खर्च करके मोबाइल लेने के लिए जाऊँगा क्या दुबई में उनकी दुकान पर? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी आईफोन है, मुझे ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। और मैं अक्सर अपने फॉलोअर्स से मिलता भी रहा हूँ, वो भी वीडियोस देखते हैं कि मैं कितना लालची हूँ और कितना चीज़ें लोगों से ली हैं या मैं इस चक्कर में गया हूँ, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो भी इस वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं जी जिन लोगों के पास मैं गया हूँ, जिनसे मैं मिला हूँ अपने फॉलोअर्स से, तो कि उन्होंने मुझे कितना लालची पाया है और कितना फेक पाया है रियलिटी में। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैंने वीडियो बिल्कुल सच्चाई में बनाई है। अगर किसी को शक है, कोई डाउट है, तो वो जाके उस दुकान के ऊपर उन दोनों भाइयों से उस दिन की जो है वो निकलवा लें सीसीटीवी फुटेज, के जब मैं एंटर हुआ हूँ वो सारी फुटेज होगी, उनके पास सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, ज़रूर यकीनन लगे होंगे, वो सीसीटीवी कैमरा निकाल लें जाके, उसके अंदर मेरी फुटेज देख लें, क्या मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, क्या मैंने बाहर आके दोबारा वेट किया था, दुकान के अंदर तो बहुत रश था, मैं दुकान के अंदर ज़्यादा देर नहीं खड़ा हो सकता था, तो मैं बाहर आके वेट करता रहा, वो भी सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगी आपको। उसके बाद फिर मैं अंदर गया हूँ बात करने के लिए, उन्होंने कहा जी भाई ये उनके जो भाई थे वो जो छोटे बड़े भाई हैं उनसे सिर्फ एक दफ़ा मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी उनके पीए थे या गार्ड थे जो भी थे, गार्ड थे मेरे ख्याल से, उन्होंने कहा उनसे बात करें। तो भाई उनके पास मैं गया हूँ, दो दफ़ा तीन दफ़ा उनके पास गया हूँ, एक दफ़ा उनके भाई के पास गया हूँ, और उन्होंने मुझे पहले पहले तो वेट कराते रहे, और मैंने तकरीबन घंटा तो वेट किया होगा कमोबेश, मुझे याद है कि घंटा मैंने वेट किया होगा खड़े होके, और कोई लालच नहीं था मुझे मोबाइल लेने का, कोई लालच नहीं था ना मुझे उनसे कोई लालच था, मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और माशाल्लाह बहुत फेमस हैं, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी मैं, उनके पास नहीं होगा टाइम। अच्छा, जहाँ तक बात रही कि लोग कह रहे हैं कि जी पहले से अपॉइंटमेंट लेके जाना चाहिए, उनका मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर कोई नहीं था, और पाकिस्तान से जाने से तकरीबन एक हफ्ता पहले या कुछ दिन पहले मैंने उनको मैसेज किया था टिकटॉक के उनके अकाउंट पे, शायद मैंने उस पर भी मैसेज किया हो, इंस्टाग्राम पे मुझे याद नहीं है, लेकिन टिकटॉक पे मैंने मैसेज किया था कि जी मैं आ रहा हूँ दुबई और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आपसे थोड़ा सा इंटरव्यू करना चाहता हूँ, मैंने ये बात उनसे की थी, तो उसका उन्होंने मैसेज तो खोल, अगर वो देखते तो शायद रिप्लाई करते, लेकिन उन्होंने मैसेज नहीं खोला। तो पहले उनसे टाइम लेने का मकसद तो बनता ही नहीं था मेरा, मैं कैसे ले सकता था, अगर पाकिस्तान में होते तो शायद मैं उनसे पहले अपॉइंटमेंट ले लेता भाई कि मुझे अपॉइंटमेंट दे दे, मैं मिलना चाहता हूँ। तो यही था, मैं मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं पाकिस्तान से जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ी सी इज्जत मिलेगी वहाँ पे, और वो मुझे थोड़ा टाइम दे देंगे, बातचीत कर लेंगे, मैं उनसे थोड़ी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर लूँगा, जैसे लोग नहीं जानते हैं, लोगों ने उनको उसी तरह देखा है जिस तरह उनकी वीडियो आती हैं। मेरे दिल में कोई खोट नहीं थी ना, मैं मेरी उनके साथ कोई दुश्मनी है, बल्कि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं अपनी जगह जो भी कर रहे हैं, मेरा उनसे कोई कंसर्न नहीं है, मेरा मकसद तो सिर्फ यह था कि उनके साथ थोड़ी सी वीडियो बना लेता, उनका अपना एक्सपीरियंस शेयर हो जाता, उनकी थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर लेते, और कोई मकसद नहीं था। तो लेकिन भाइयों ने बहुत सारी ऐसी बातें कर दी कि उन्होंने मुझे झूठा जाहिर करने की कोशिश की कमेंट्स के अंदर, मैंने वो कमेंट्स डिलीट नहीं किए, वो कमेंट्स अभी पड़े हैं। तो सिर्फ मकसद ये था इस वीडियो को बनाने का, ये क्लियरेंस देने का। और जहाँ तक बात रही फेक और झूठी चीज़ों की, तो मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर बहुत सादा चीज़ें दिखाता हूँ, बहुत सादी वीडियो बनाता हूँ, इवन कि मैं दुबई और जो श्रीलंका है यहाँ की, मैं बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें दिखा सकता था जो कि मैंने देखी हैं, बहुत सारी वल्गैरिटी दिखा सकता था जो कि मैंने वहाँ देखी थी, लेकिन मैं वो सब नहीं करता क्योंकि ये मेरा एक फैमिली चैनल है, मेरी माएँ बहनें देखती हैं, मैं इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाता हूँ। हमारे यहाँ शायद ट्रेंड इस तरह का चल गया है कि लोग अब देखने ही शायद नेगेटिव चाहते हैं। और एक चीज़ और, ये भी मैंने बात नोट की कि मैं जो सीधी सीधी वीडियो डालता था उन पर व्यूज़ नहीं आ रहे, अभी ये थोड़ी सी नेगेटिव वीडियो थी दो, इनके ऊपर भाई भर भर के व्यूज़ आए हैं, मतलब एक दिन के अंदर तो 30,000 रुपये पहुँच गई वीडियो, कोई 25,000 रुपये पहुँच गई, कोई 20,000 रुपये पहुँच गई, मतलब क्या देखना चाहते हैं लोग, ये इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी देखना चाहते हैं या वल्गैरिटी देखना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आई ये बात ना कि लोगों को पसंद क्या है। खैर, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाता हूँ या क्या, मैंने तो सिंपल दुबई की वीडियो बनाने से पहले भी ये कहा था कि मैं एक ट्रेवलॉग टाइप बनाऊंगा, इसमें इन्फॉर्मेशन होगी छोटी मोटी, बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा, शायद लोगों को इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा इंटरटेनमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो बिल्कुल ठीक है, मैं आपके इंटरेस्ट को तो नहीं बदल सकता, मैं उन व्यूवर्स के लिए जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ,
और आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, मैं बहुत ज़्यादा ममनून हूँ आप लोगों का दिल से, और शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे इतना चाहते हैं, मुझे इतना सराहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं और तारीफ भी की है। और अब इस वीडियो के बनाने का मकसद ये, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है, ना मुझसे किसी ने रابطہ किया है, ये मैं खुद से बना रहा हूँ। कमेंट्स पढ़ के सिर्फ जिन लोगों के लिए कि जिन्होंने नेगेटिव कमेंट्स किए थे उनकी मैं थोड़ी सी पिक्चर क्लियर कर दूँ कि भाई ना मैं मोबाइल लेने गया हूँ वहाँ पे, ना और किसी चीज़ का मुझे लालच था, ना मुझे ज़रूरत है इन चीज़ों की। जो लोग से मैं मिल चुका हूँ उनसे जाके वो पूछ सकते हैं। और दुबई की रही बात, जो डेरा की जो मैंने बनाई लास्ट वीडियो, उसके हवाले से वो भी मैं क्लियर कर चुका हूँ कि मेरा कोई भी नेगेटिव ऐसे बनाने का नहीं था। जो मैंने देखा वहाँ पे वो मैंने बना लिया। मैं वहाँ पे प्लानिंग के तहत नहीं गया था, अचानक से मैं उस जगह पे पहुँचा था। गोल्ड मार्केट से चलते हुए मैं अपनी मोटर, वो क्या कहते हैं उसको, मेट्रो ट्रेन लेने के लिए जा रहा था। मुझे रास्ता लोग बताते जा रहे थे, मैं उस तरह से जा रहा था, तो रास्ते में वो इलाका आ गया, तो मैंने वहाँ पे वो वीडियो बना ली। प्लान वन कोई नहीं था मेरा, ना मुझे किसी ने बताया था वहाँ का। मुझे कुछ पाकिस्तानी नज़र आया तो मैंने कहा यार इनसे बातचीत करते हैं। वो बातचीत करते करते वो चीज़ें भी मेरी टेंशन उन चीज़ों पे गई, तो मैंने वो बनाना शुरू कर दी। तो उम्मीद है बहुत सारे भाइयों की बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर अभी भी नहीं हुई है तो भाई आप उस दुकान पर जा सकते हैं, वो मोहल्ले में जा सकते हैं, वहाँ पर जाके कर लें। मैं और इससे ज़्यादा अगर मैं दुबई में होता तो मैं दोबारा उस इलाके में जाता और जाके उस वीडियो को दोबारा बना लेता। तो उम्मीद है कुछ हद तक मेरी इस वीडियो से आप लोगों का दिमाग से कुछ जो बोझ होगा वो उतरा होगा। मैं अपना बोझ उतारने आया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कहा कम से कम एक वीडियो बना के अपना मैसेज तो पहुंचाऊं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक दो मुल्कों का मैं विज़िट करने वाला हूँ, वो भी आप लोग देखेंगे बहुत जल्द। तो इंशाल्लाह वो प्लानिंग के अंदर है और वीज़े मेरे आ गए हैं, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द रिवील हो जाएंगी। तो अब तक के लिए इतने ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कोई बात बुरी लगी हो तो, मैं माजरत खाऊँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।